जो माया के परिणाम है और एक है सच्चिदानंद अंश जो अधिष्ठान रूप में वहाँ पे सामान्य रूप से विद्यमान है, उसमें कोई सामान्य विशेष नहीं है, सब सामान्य विशेष रूप में विद्यमान है। तो इन दोनों अंशों में जो नाम रूपात्मक भाग है उसको हम मिथ्या मानते हैं, सच्चिदानंद अंश उसका मिथ्या नहीं है। एक चीज सामान्य रूप से देखना, ये सब और चीज साथ ही साथ है। जब कहीं वस्तु की अस्तित्व सिद्ध होता है तो वहाँ ज्ञान भी है, और कहीं ज्ञान है तो उस वस्तु को सिद्ध भी होता है कि नहीं। जहाँ जो सत है उसी का चित्त रूप में स्फुरण हो रहा है, जिसका चित्त रूप में स्फुरण हो रहा है ज्ञान रूप में वो सत है। विद्यमान वस्तु है, अविद्यमान वस्तु स्फुरण नहीं होता, इसकी स्फुरण होता है वो अविद्यमान नहीं हो सकता। जागतिक वस्तु सतस्फुरण हो रहे क्या? जागतिक वस्तु सतस्फुरण नहीं है, वो ज्ञान की अपेक्षा रखता है, इसीलिए उसकी सत्ता भी नहीं है। ऐसा बोलते अभी तक हमने पढ़ के मानवों को कायिका से आपको क्या दिखाई दे रहा है? सत और चित साथ साथ होने वाले हैं। वस्तु की सत्ता सिद्ध होता है क्यों? उसकी ज्ञान होती स्फुरण होता है, यानी जिसकी स्फुरण होती है उसकी विद्यमानता है, विद्यमान वस्तु की स्फुरण होता है। परंतु जागतिक जो नाम रूपात्मक वस्तु है वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा रखता है। जो ज्ञान रूप है उसका स्फुरण होता है, इसलिए इसका कोई पारमार्थिक सत्ता भी नहीं है, इसलिए इसका पारमार्थिक सत्ता भी नहीं है। इस भाव को मन में रखते हुए यहाँ के बोले थे, देखिए भावेर असत भेर एव अयम अद्वयेन च कल्पित है ना। असत भाव क्या हो गया? ये प्राण आदि से लेकर के अठारह से लेकर के विश्वास लोग तक जितना एक एक मूल कारण के रूप में दिखाना ये सब विकल्प है। और अद्वयन मतलब एक सामान्य अंश है जो ज्ञान स्वरूप है, जिसका ये है कहकर बोध होता है, ये है उसका स्फुरण होता है, उसी के ऊपर सराजित कल्पित है। और इसी के कारण मतलब जो पारमार्थिक सब वस्तु के ऊपर एक इस नाम रूपात्मक जगत के आधार मतलब उसका स्फुरण होता है, इसीलिए ये नाम रूपात्मक जगत की सत्य रूप में प्रतीति होता है। इसलिए यह अद्वैत के भाव को चिंतन में रखना यही सबसे कल्याणकारी है। तस्मात अद्वैता सुर, तस्मात अद्वैता सुर पहले क्या बोल कर आए थे? इसके पहले बोला था ना निरोध ना च उत्पत्ति ना बंध ना साधक ना मुमुक्षु ना विमुक्त इत्येषः परमार्थः। इस प्रतिज्ञा वाक्यों को पुष्ट करने के लिए मतलब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरोपित वस्तु में कल्पित वस्तु सब कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो भी कुछ आप करते हैं कल्पित वस्तु सब भी कल्पना ही है, पारमार्थिक नहीं हो सकता। इस आपने पहले प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए हेतु दिए थे यहाँ पे भावी असद्धि एवं अद्वयेन च कल्पित भावापि अद्वयेन एव। जितना भाव वस्तु सत्य रूप में इसलिए दिखाई दे रहा है कि उस पारमार्थिक सत्य वस्तु के ऊपर ही उसका नाम रूप की प्रतीति होती है,
इसलिए कल्पना काल में भी अकल्पना काल में भी बस अद्वैत पारमार्थिक जो है भेद रहित यही जो है पारमार्थिक कल्याणकारी है। ये कल्याणकारी कल हम लोग देखो इस प्रति तक भाष्य का पढ़ लिए थे। आपको जगत कब दिखाई देता है? जब मन मुंह खुलता है और वो भी मन मुंह खुल के विक्षेप शुरू हो रहा है, चलन शुरू हो जाए, तब जाकर के जगत दिखाई पड़ता है। आत्मा आकाश की तरह बिंदु है, व्यापक है, आत्मा में कोई चलन होना संभव नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई वस्तु भी नहीं है, सारा मनोकल्पना ही है। इसको मन में रखते बोलते नहीं अप्रचलित मनसि कश्चित भाव उपलक्ष्य हेतु सत्य है। जब तक मन में कोई प्रचलन नहीं हुआ, मन में तब तक आप कोई भी भाव वस्तु नहीं देख सकते। मन सोचिए तो योग दर्शन ऋषि को पर होता है, चित्त वृत्ति को विरोध हो जाए तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। यानी कि मन की विष्कार में होता है, देखो कि तस्मिन विचरिम भीते सकलम विचरितम तस्मिन विनष्टे सकलम विनष्टे नहीं अस्त मनुष्य। मन अपना मुंह खोलने में सारा जगत देखते हैं, सुषुप्ति में देख लो, समाधि अवस्था में देख लो। जब आप अपने मनोवृत्ति को अब जो है जो ध्यान आदि करते हैं, मन को रोकते हैं, तो जागरूक वस्तु कुछ आपके सामने नहीं होता। जैसे उत्थान अवस्था में आते मन मुंह खोलते हैं तो हमको देखते दिखाई देने लगता है। इसलिए बोला नहीं अप्रचलित मनसि कश्चित भाव उपलक्ष्य। आत्मा भी सब प्रचलन होगा तब हमको दिखाई देता है, बोलते नहीं नहीं मतलब आत्मा तो आकाश की तरह व्यापक है, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ हिलना डुलना संभव नहीं, निश्चल अचल दुर्प्रकाश हम बोलते हैं। मतलब वहाँ पे विक्षेप निमित्त कोई हेतु नहीं है, इसलिए वो अचल होता है हमेशा। प्रचलित एवं उपलब्ध माना भावाना परमात्म संत कल्प हेतु सत्या। जो अपने मन आत्मा मन में प्रचलन होता है, कुछ विक्षेप उत्पन्न होता है, तब भाव वस्तु उपलब्ध होना हो जाना है। न परमार्थ के संत वो पारमार्थिक है ऐसा कल्पना नहीं कर सकते, ना तक कर दिए। अत असत भी एवं प्राणादि भाव ही भाष्य में है, सारा भाष्य में कर रहा हूँ 100 अत असत भी एवं प्राणादि भाव ही अद्वैन च परमार्थ अवद्वैन च परमार्थ सदा आत्मना लज्जुवत् सर्व विकल्पना विकल्प आस्पद भूतेन अयम स्वयमेव वा स्वयं एव आत्मा कल्पित अयम स्वयमेव आत्मा कल्पित। क्या हुआ कि यद्यपि अन्न भ्रांति स्थल में तो कल्पना करने वाला व्यक्ति भिन्न और जिसके ऊपर कल्पना करते हैं तो भिन्न होता है, परंतु यहाँ पे तो अपने आप ही मैं अपने आप अपने ऊपर कल्पना। क्यों? क्योंकि कारण एक ही है कि अधिष्ठान तत्व की अज्ञानी कल्पना के लिए हेतु होती है, परंतु अधिष्ठान के बिना भ्रांति अथवा कल्पना होना संभव नहीं है। जब आप भी अकेला बैठ करके कुछ कल्पना करते हैं सारा चीज आप भूल जाते हैं, परंतु मैं हूँ तभी कल्पना हो रहा है। मैं कल उसका क्या बोले मैं बैठ कर के मन में कल्पना कर रहा था, यानी कि कल्पना से पहले मेरी अस्तित्व पहले से होती है और वो अकल्पित है और वो मन को माध्यम बना करके कल्पना करता है, इसलिए अधिष्ठान अकल्पित है। इसलिए अतः असत्य भी एवं प्राणादि भावे जो प्राणादि भाव वस्तु आपको दिखाई पड़ता है, हम लोग को दिखाई पड़ते हैं वो असत है, इसके द्वारा ही और अद्वैन च और भेद रहित जो स्थिति है हमारा, भेद रहित मतलब उसका ये है ये अंश और एक है नाम रूपात्मक अंश, ये दोनों को मिला करके परमार्थ सत्ता जो पारमार्थिक सत्य वस्तु है आत्मा आत्मना परमार्थ सत्ता आत्मा पारमार्थिक सत्य स्वरूप के साथ मिला करके रज्जुवत सर्व विकल्प आस्पद होते रज्जु के समान समस्त कल्पना के आश्रय आस्पद अधिष्ठान रूप होते हुए होते ना। देखिए तीनों ये चार तृतीय एक वचन है, ये तो तृतीय बहुवचन है जो कल्पित वस्तु है। अत सद्गीर एवं प्राणादि भावे अद्वयेन च परमार्थ सता आत्मना ये तीन तृतीय एक वचन है और रज्जु सर्पवत विकल्प आस्पद भूते न रज्जु सर्प जैसा उद्दिष्टांत है, ऐसा रज्जु अनेक प्रकार विकल्प के आश्रय होता है, इसी प्रकार हमारे आत्मा भी अनेक प्रकार कल्पना के आश्रय बन जाता है। अयम स्वयमेव आत्मा कल्पित है ना, इसमें पहले बोलता है आया था कल्पयति आत्मना आत्मनम आत्मदेव समायया स्वयं बुद्धते भेदम स्वयं
हमेशा एक रूप एक स्वभाव वाला होते हुए भी वो सब तत्व अव्यभिचारी होते हुए भी कभी भी अपने स्वरूप के किसी प्रकार की परिवर्तन होना संभव ही नहीं है। इस प्रकार तत्व होते हुए भी सब एक स्वभाव अभिषण तेज प्राणादि भावा भी, इसलिए वो जो प्राण उपाधि के साथ मिलकर के वो अनेक रूप में दिखाई पड़ता पड़ता है वो एक ही तत्व। अतेज प्राणादि भावा भी अध्ययन एवं सदा आत्मना विकल्पित है, इसलिए वो सत्य रूप में प्रतीत है। वो अभेद रहित जो हमेशा रहने वाला पारमार्थिक तत्व उसके साथ मिला करके हम कल्पना करते। अब देखना जब कभी भी आप मतलब कोई चिंतन करते हैं फ्यूचर अथवा पास्ट आप किसको लेकर के चिंता करते हैं देखना, उसमें एक हाँ अपना अनुसूत रहता है, आप वही कल्पना की अधिष्ठान, वही कल्पना की अधिष्ठान। चाहे आप अपने शरीर को लेकर के करें और शरीर तो परिवर्तन होता रहता है, कभी कहीं कहीं कुछ कल्पना करते हैं, परंतु जो कल्पना करने वाला जो अधिष्ठाता बैठा हुआ है उसके साथ मिलकर ही कल्पना होता है, उसके साथ मिलकर ही कल्पना होता है। इसीलिए हम बोलते हैं सदात्मना विकल्पित नहीं निराशपदा काचित कल्पना उपलब्ध है। कहीं भी किसी भी स्थान में कोई आस्पद रहित अधिष्ठान रहित कोई कल्पना कभी भी होना संभव नहीं है। आप सोचेंगे कि महाराज सामने कोई वस्तु दिखाई देता है उसके ऊपर हम सर्व की कल्पना करते हैं, अकेला कमरे में हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब मन ही बैठ के मन ही मन बैठ के कल्पना करते हैं। अभी क्या है आपके सामने सामने वस्तु हमारे स्वर्ग में और साथ में मेरा मन जो दिखाई नहीं देगा पर उसका धर्म सुख है। इसलिए होता है नहीं निराशपदा काचित कल्पना उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की कल्पना होना संभव ही नहीं है। अतः सर्व कल्पना आस्पदत्व, इसलिए समस्त कल्पना की अधिष्ठान होने के कारण स्वेन आत्मना अद्वयस्य अव्यभिचारा, अपने स्वरूप से जो भेद रहित तत्व है उसमें कभी भी व्यभिचार मतलब परिवर्तन नहीं होने के कारण अतः सर्व कल्पना आस्पदत्व, समस्त कल्पना के अधिष्ठान रूप होने के कारण स्वेन आत्मना मतलब अपने स्वरूप से अद्वयस्य जो भेद रहित अव्यभिचारा, वो भेद रहित की कभी व्यभिचार नहीं होता मतलब कभी भी भेद वहाँ पे होता ही नहीं है, भेद रहित तो हमेशा विद्यमान है। अव्यभिचारा कल्पना अवस्थाया में भी जिस समय आप मन में बैठ के कल्पना कर रहे हैं उस समय भी आप समझना अद्वैता एवं शिव। अब अकल्पना काल में तो भेद रहित तो है ही, उसको जानकारी है ही, कल्पना काल में भी यदि आप ये समझ सकते अरे ये तो मैं ही अपने शरीर को लेकर के सारा कल्पना करना हम जो मिथ्या बोलते हैं, ये भाव अगर आपको आ गया तो क्या हो जाएगा कि अद्वैता शिव, तो आपको जो अद्वैत तत्व समझ कल्याणकारी तत्व समझ में कल्पना एवं तू अशिव समझ में आएगा। जितना मैं कल्पना कर रहा था यही अमंगल काल है, खुद देखिए सामान्य अपने जीवन सबको समझ में आ जाता है ये जो कल्पित सर्वस्थानीय शरीर को लेकर के इतना कल्पना करते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए और फिर उसकी रक्षा के लिए चिंता फिर उसके भाव इसको उसके भिन्न ये चाहिए चिंता, ये सारा हमको क्या करते हैं अपने स्वरूप से प्रज्वल करते हैं। इसलिए अशुभ है अकल्याणकारी अकल्याणकारी है, इसलिए कल्पना एक बार तो अशुभ कल्पना ही जो है हमारे लिए अकल्याणकारी है। रज्जु सर्ववत् क्यों, तो कल्पना करने से क्या हो जाएगा रज्जु सर्प के समान हमेशा राग अथवा देश उत्पन्न होगा। रज्जु सर्पाधिपत मतलब हमारे पास चार दृष्टांत देते हैं रज्जु के ऊपर सर्प अथवा गुरु होने के ऊपर प्राणी अथवा शुक्ति के ऊपर रजत अथवा पुरुष के समान, दो दृष्टांत हो गया द्वेष का दो दृष्टांत हो गया राग का, ठीक है ना। और ये इलाके से व्यवहार होता है इसलिए होता है रज्जु सर्पाधिपत रज्जु में दिखाई दे रहा है सर्प के कारण क्या आदमी कोई आसक्ति उत्पन्न करेगा अपना कोई देश उत्पन्न करेगा और यही दूर जाएगा जहाँ द्वैत है अद्वैता फिर मतलब भेद राहित्व के जो भाव है ना वो अभय हो कभी आपके अंदर डर नहीं उत्पन्न करेगा, अतः शैव शिव इसलिए वही एकमात्र कल्याणकारी वही कल्याणकारी। भाष्यकार तो अपने शब्द में समझा दिया अपने का कार्य जीव कल्याणकारी, ठीक है। तो हमने यहाँ से
4, 1, 2, 3, 4, 5 इस तक यहाँ तक तो हमने पढ़ लिए थे। जथा तक जो प्रतीक आया है ना पूर्व श्लोक अर्थ हेतु मान, पूर्व श्लोक में जो कहा गया है उस प्रतीक का बाप को पुष्ट करने के लिए हेतु दे रहा है यहाँ, ठीक है ना। उसका आगे देखिए, संस्पृष्ट रूपेण कल्पितत्ते अपि, कौन अधिष्ठान आत्मा किस उपाधि के साथ मिलकर के वो कल्पित रूप में दिखाई देने पर भी संशिष्ट रूप में ना, मतलब सृष्ट मिल करके संशिष्ट रूपेण कल्पितत्ते अपि स्वरूपेण अनारोपितत्वात्, स्वरूप से उसका किस कल आरोपित नहीं है, स्वरूप से अधिष्ठान स्वयं सही है, अनारोपितत्वात् वो अधिष्ठित वो आरोपित नहीं होने के कारण रज्जु द्रव्यस्य व्यावहारिक सत्यत्वम उन्नय, इसलिए रज्जु द्रव्य में व्यावहारिक सत्यत्व को फिर वो व्यवहारिक आप तो मानते हैं। एक है हमारे पास ना वेदांत में देखना कि एक है कि जो माया तुच्छ अनिर्वचनीय क्या वास्तविक है, इति असूत्रिता ज्ञा माया त्रिभिन्न बोधे, तुच्छ अनिर्वचनीय वास्तविक, तुच्छ अनिर्वचनीय वास्तविक च इति असौ माया ज्ञा त्रिभिन्न बोधे, इस प्रकार से माया को समझना चाहिए तीन प्रकार के बोध जिसका मैं आप कौन से स्रोत युक्तिक लौकिक लौकिक स्रोत युक्तिक लौकिक श्रुति प्रमाण के आधार पे ये माया तुच्छ है, श्रुति प्रमाण के आधार और जो है जब युक्ति के द्वारा देखते हैं तब क्या है ये अनिर्वचनीय है और जब लौकिक प्रमाण से देखते हैं तब ये वास्तव जैसे लगता है। इसी एक ही माया को तीन प्रकार से देखिए, तुच्छ अनिर्वचनीय च वास्तविक इति असौत्विधा ज्ञेया माया त्रिभिर् बोधे, तीन प्रकार की व्यक्ति है, तीन प्रकार के व्यक्ति तीन प्रकार के बोध होता है, बोध मतलब बुद्धि की विचार शैली तीन प्रकार की विचार शैली का, एक श्रुति के आधार पर विचार करो और एक युक्ति के आधार पर विचार करो, वहाँ पर अपना युक्ति लगाया और तीन लौकिक प्रमाण का आधार पर लोग व्यवहार में क्या होता है इसका आधार पर विचार करो। श्रुति के आधार पर देखेंगे तो क्या है माया तुच्छ है, माया मतलब माया बोलेंगे यहाँ पे, और जब युक्ति के द्वारा देखें तो अनिर्वचनीय मतलब है भी नहीं बोला जाता है, नहीं है भी नहीं बोला जाता है, पृथक भी नहीं बोला जाता है और पृथक भी नहीं बोला जाता है ना, एक है कि भिन्न है कि अभिन्न, इस रूप से नहीं निर्वचन किया जा सकता। और जब लौकिक प्रमाण तब तो हमको लगता है कि वास्तव है लोग व्यवहार वास्तव जैसे लगते हैं, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि संस्पृष्ट रूपेण कल्पितत्यपि स्वरूपेण अनारोपितत्वात् रज्जुद्रव्यस्य व्यावहारिक सत्तम पुण्य, हम लोग जो रज्जुद्रव्य में हम व्यावहारिक सत्ता मान लेते हैं कोई इसमें असुविधा नहीं है। 4 नंबर टिप्पणी अवकल्पते मतलब संभवते, इस प्रकार व्यावहारिक सत्ता मानना संभव हो जाता है। परंतु अवित्त मायने अपि अयम आत्मा कल्पते न परमार्थ, 4 नंबर टिप्पणी हाँ बोला मैं, हाँ अवकल्पते अच्छा व्यवहारिक सत्ता उन्नयम, यह व्यवहारिक सत्ता उन्नयम मतलब इसको समझ लेना चाहिए, क्यों भाष्यस्थ सता इति विशेषणम उपपादनार्थम इदम, भाष्य में देखिए परमार्थ एक सता शब्द बोला ना, अत असत भी एवं प्राणादि भावे अद्वयेन च परमार्थ सता आत्मना, यानी आत्मा तो परमार्थ ही सत्य है, यानी कि जो वृत्ति को जो जो इस अधिष्ठान को हम कल्पना करते हैं उसका कुछ सत्य आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मैंने बोल दिया परमार्थ सत्य, इसीलिए इस बात को मान्यता दे करके वृत्ति में हम व्यवहारिक सत्य मानते हैं, व्यवहारिक सत्य मानते हैं। इसके बोलते हैं यहाँ पे कि भाष्यस्थ सता इति, भाष्य में स्वीकार सतापद है, कहाँ पे आए मिला सतापद, भाष्य में सतापद कहाँ है मिला आपको, अधिष्ठान सत्रूप होते हैं, तो जब रज्जु को परम सत्व कल्पना करते हैं उसको भी सत्य आपको स्वीकार करना चाहिए, हाँ हम उसके व्यवहारिक सत्य को स्वीकार करते हैं, इसलिए बोलते भाष्यस्थ सता इति विशेषणम उपपादनार्थम इदम, इसलिए ऐसे शब्द प्रयोग किया टीका का।
अविद्यमान ही अयम अविद्यमान अयम आत्मा कल्पते न परमार्थत संसत्तम इति शेष। मतलब उसे क्या बोला जाता है, जो वस्तु विद्यमान नहीं है अविद्यमान वस्तुओं के साथ ही अयम आत्मा कल्पते इस आत्मा मिला है ना, एक अधिष्ठान रूपी रज्जु सामान्य अक्ष है और अविद्यमान वस्तु सर्प है, तो दोनों मिलकर के कल्पना था ये सांप है, ठीक है। इसलिए हमें बोलते हैं अविद्यमान ही, अविद्यमान नहीं है इस प्रकार वस्तुओं के साथ ही अयम आत्मा कल्पते इस आत्मा को कल्पना किया जाए। तो बोला ना कि अद्वैत च कल्पित है ना, एक आत्मा की भाव भी है अकल्पित भाव भी है, कल्पित उन लोगों की पारमार्थिक सत्ता नहीं है तेषां कल्पितानां पारमार्थ सत्ता न इति शेष वाले जोड़ लेना पड़ेगा। तब ये जो कथम प्राणादीनां, ये प्राण आदि को हम शक्ति जैसे लगता है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि उससे हम व्यवहार करते हैं, इससे अनुभव होता है, ये मिथ्या कैसे हो सकता है। तो प्रश्न उठाते हैं कथम प्राणादीनां परमार्थ तो असत्यम, प्राणादि पारमार्थिक है ही नहीं, ऐसा कैसे है। तो सभी का अनुभव में आता है कि है, कठोर परिषद में एक छोटा श्लोक बोला इसके लिए, लोग सोचते हैं कि हम प्राण के कारण जीवित रहते हैं, प्राण है इसलिए मैं हूँ, परंतु ठीक इसका उल्टा है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्य जीवति कश्चन इतरेन तु जीवति जस्मिन् एतौ उपस्थितौ। कि प्राण अपान के कारण हम जीवित है ये बात नहीं है, इससे भिन्न एक तत्व है जिसको आश्रय में रह करके प्राण अपन व्यापार करते हैं, वो तत्व सत्य है, वो आप है और उसी के कारण जो है आपको जिंदा जैसे अपन पुनः शरीर को प्राण अपन के लिए नहीं। न जीवो जाती न जीवो मृियते जीवा प्रेत भावो मृियते, शांत को प्रसन्न है न जीवो मृियते जीवा प्रेत भावो मृियते। भिक्षु के दृष्टान्त तो दिया था, नीचे से थोड़ा काटा तो स्रवती, बीच में से काटा स्रवती वो मरता नहीं है फिर भर जाता है, परंतु तो एक डाली सूख जाता मतलब क्या है, वहाँ से जो जिस जो जीवात्मा उस पेड़ में बैठा हुआ वो उसको छोड़ दिया तो वो डाली सूख जाता। ना जीवो मृियते जीव की मृत्यु नहीं है, जीवा प्रेत मृियते जीव जिसको छोड़ देता है वो मर जाता है। इस शरीर को जैसे जीवात्मा छोड़ दिया, जीवात्मा बोल आत्मा नहीं, जीवात्मा जैसे ही छोड़ देता है तो शरीर मृत घोषित हो जाता है, क्योंकि मनोसंकल्पे न आयाति अस्मिन् शरीरे, माइंड फंक्शन करता है देने का अंडरस्टैंड पक्ष कब तक प्राण, मन फंक्शन नहीं करता तो आप प्राण की फंक्शन आपको समझ में नहीं आता। इसलिए बोलते हैं कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तेषाम अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से प्राणादीनाम तेषाम मनस्पंदित मात्रत्वं प्रतीति, मन का स्पंदन मात्र से प्रतीति होता है, प्रतीति मृषत्वं स्वप्न मत, इसलिए वो सारा वस्तु मिथ्या ही है स्वप्न के समान, इति आहुति के मन में रखते बोलते हैं। अब आ जाइए भाष्य में थर्ड टैंक में बीचों बीच देखिए, न ही अप्रसरित मनसि कश्चित् भावो उपलक्षयितुं शक्यते केनचि, मन यदि इसलिए ये सारा सिद्धांत मुख्य रूप से दो प्रकार से आप मनोवृत्ति को रोक सकते हैं, योग दर्शन की प्रक्रिया प्राणायाम के द्वारा मन को शांत करके फिर संपर्क या असंपर्क समाधि के माध्यम से चिंतवृत्ति की रोक, और देखते हैं हमारे वेदांतिक प्रक्रिया क्या है, विचार पूर्वक जगत के मिथ्यात्व को निश्चय करने से जैसे शाब्दिक पुस्तक विषय में चिंतन नहीं होता अपने आप ही चित्तवृत्ति उधर नहीं जाती, सत्य वस्तु में चित्तवृत्ति बना रहेगा, मतलब नाम रूपक जगत को देखने पर उसके अंदर जो सच्चाई सच्चिदानंद है वहाँ को चित्त मतलब शुद्ध मन उसको पकड़ने सामर्थ हो जाए। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे कि प्राण आदि नाम परमार्थ तो सत्य आशंक अन्य व्यक्ति एकाभ्याम दिशा मनस्पंदित मात्रत्व प्रतीत मन का स्पंदन मात्र यही प्रतीत होने के कारण मृषत्व तेषाम स्वप्नवत ऐसा प्राण आदि नाम मृषत्व प्राण आदि में प्रतीक का मत लगे अनुमान जैसा तेषाम मत प्राण आदि नाम मृषत्व भी तक स्वप्नवत क्यों मनस्पंदन मात्रत्व ये हेतु दे यहाँ इस पंक्ति में समझ ना रहे समझने के लिए न्याय की भाषा में क्या करेंगे तेषाम ये पक्ष माने तेषाम प्राणादि न मिथ्यात्व माने प्राणादि मिथ्या क्यों मनस्पंदन मात्रत्व स्वप्नवत क्या बोले यहाँ पे प्राणादि मिथ्या मनस्पंदन मात्रत्व स्वप्नवत स्वप्न मनस्पंदन मिथ्या इसी प्रकार यहाँ भी और श्रुति वाक्य है न
मन संकल्प न आयात अस्मिन् शरीरे प्राण आता है किन्नो शरीर में मन संकल्प से आता है प्रश्न प्रसिद्ध है ये किसी ना भी बोलते हैं कथम प्राणादिनां परमार्थ का सत्य में आशंका न एकाभ्यंतेषां मन स्पंदित मात्र तम प्रतीते मृषंतम स्वप्न मदति न ही अप्रचलित मन से जिस समय आपका मन स्थिर रहता है उस समय कोई विकार नहीं दिखता कोई भाव मालूम नहीं कश्चित भाव उपलक्ष्य एक शक्ति देखे नहीं। अच्छा तब बोलते हैं आगे आत्म परिणामत्वात् मनश्चरणम् अंतरेण अप्राणादि भावनां परमार्थक सत्यमिति। अरे भाई आप सब गड़बड़ करते हैं क्यों आप क्या बोला ये तस्मात् जायते प्राणो सर्वेन्द्रियाणि च कहाँ से बोला ये अक्षर तत्व से यानी कोई अक्षर तो आत्मा है तो अक्षर से जब आया है तो अक्षर का ही तो स्पंदन है मन का कहाँ है ये लोग जो बोलते हैं वो बिल्कुल सब पढ़ते हैं जो बोलते हैं यहाँ जो शंका कर रहे हैं आत्म परिणामत्व ये जो प्राणादि है ना ये तस्मा जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि तो सुनिए ये बोलती है तो यानी कि ये तो आत्मा का परिणाम है अक्षर तत्व का परिणाम है तो मन चरण अंतर है ना इसलिए मन का चरण के बिना भी प्राणादि भावना परमार्थ तो सत्य में इसलिए प्राणादि भाव का पारमार्थिक सत्य आपको मानना पड़ेगा यदि आशंका ऐसा कोई शंका करते हैं तो बोलते हैं कि देखो जिस तत्व से परिणाम बोलते हैं ना वो एक अपरिमाणी और अपरिणामी तत्व है एतस्मात् जायते प्राणो मनो सर्वेन्द्रियाणि च ये जो कहा गया है वो कल्पज्ञ के पहले उसको तो क्या नहीं दिव्य ही अमूर्त पुरुष सबाई अभ्यंतर और प्राण ही अमाना शुक्र अक्षरा परत पर जो हमेशा ही प्राण और मन से रहित है उसमें से वो उसमें से प्राण एक विकार बन जाएगा कैसे हो सकता है। जैसा जिस प्रकार से जिस दूध में से कभी भी घड़ा उत्पन्न नहीं होगा दूध का स्वभाव ऐसे नहीं है घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। अब आपको घड़ा के अंदर दूध रख दिया तो आपका वो दूध घड़ा आकार में दिखाई दे रहा आप बोलते हैं दूध तो घड़ा रूप में परिणत हो गया समझ ना रहा है इस चीज को बिल्कुल यहाँ पे यही वो सोच रहा है। आत्मा में कोई परिणाम होना संभव ही नहीं है मन ने कल्पना की थी आत्मा अधिष्ठान में तो अधिष्ठान भी उस रूप में दिखाई दे इसलिए बोलते हैं आत्म परिणामत्वात् मनश्चरणम् अंतरेण अपि आत्मा के परिणाम होने के कारण मन के चरण के बिना भी प्राणादि भावानां परमार्थक सत्यम् प्राणादि भाव वस्तुओं का पारमार्थिक सत्यता है ऐसा भी शंका करते हैं न च आत्मन प्रचरणम् अस्ति। अरे भाई अब प्राण ही अमाना शुद्ध सुखी उसी के आगे अपने आप बोलते हैं है कि नहीं क्योंकि अपने आप ही बोलते इसीलिए कभी भी किसी एक वाक्य को पढ़ के यदि आपको विरोध दिखता है तो तुरंत उसका आगे पीछे को संदेह को वाक्य शेष एक न्याय है पूर्व मीमांसा की न्याय है किसी जगह पर सूर्य ने कुछ कही यदि आपको पूरा समझ में नहीं आता उसका अंतिम तक पढ़ते जाइए उसका स्पष्टीकरण आ जाएगा। इसलिए आगे बोलते हैं कि परमार्थिक सत्य में आशंका न चाह आत्मा न प्रचरण आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई विकार अथवा चलन होना संभव ही नहीं है। चलन होता है मन में इसलिए मन का विकार रूप में दिखाई पड़ता है चलन है पंखा में इसीलिए पंखा ही यहाँ पे गोल रूप में दिखाई पड़ता है नहीं तो छत दिखाई पड़ता है चलन हो रहा है ब्लेड में इसलिए ब्लेड एक सर्कल रूप में दिखाई पड़ता है छत छत ही है तो ये नहीं कह सकते कि छत जो है गोल बन गया बोलेंगे क्या नहीं बोल पा तो जब पंखा चल देखने लगे तो लगेगा वहाँ पे एक सर्कल रूप में हो गया और इतना ही मात्र है परमार्थ सत्य में आश्रय करना चाह आत्मन प्रचलन नहीं विभोर अपने आप देखा नहीं विभोर आत्मनो न भवत चरणम वास्तवम अवकल्पते व्यापक जो आत्मा है विभोर आत्मन मनुष्य व्यापक आत्मा का न भवत आकाश की तरह चलन यदि वहाँ पे चलन दिखाई पड़ता है जैसे कैसे दिखाई पड़ता है यहाँ पे खड़ा है खाली अथवा एक बोतल है खाली आप उसको लेकर के यहाँ से वहाँ पे रखा आपको क्या दिखाई देगा बोतल के अंदर जो आकाश है उस आकाश को वहाँ से उठा के ले गई दिखाई देगा कि नहीं देगा खाली बोतल यहाँ पे रखा है उसको उठा करके अपने दूसरे पर रखा क्या प्रतीति होगी तो बोतल के अंदर जो आकाश है आकाश में चल करके यहाँ से वहाँ तक चलेंगे परंतु वास्तव में आकाश में कभी चलन होना संभव है क्या केवल उपाधि को उठा करके हमने एक जगह दूसरी जगह कर दिया परंतु प्रतीति होती है कि उसके अंदर बसा हुआ आकाश भी इधर उधर गया ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही है नहीं विभोर आत्मन न भवत चलनम वास्तवम व्यापक आत्मा का आकाश की तरह है ना विभोर आत्मनम चलनम वास्तवम न अवकल्पते न भवत इस व्यापक अन्वय करने के लिए आनंदगिरि की शैली को देखिए पूरा न्याय के शब्द में लिखते हैं है ना विभोर आत्मन चलनम वास्तवम न अवकल्पते न भवत व्यापक आत्मा की चलन होना संभव नहीं है प्रतिज्ञा वर्तना है दृष्टान्त के आकाश की तरह
ठीक है ना, नहीं विभोर आत्मन नमोवत चरणम वस्तु अवगल्पते, पंक्ति को थोड़ा लगाने की शैली एक बार आपको आ जाए ना, अब तो अपने आप स्पष्ट हो जाए क्या कहना चाहते हैं। तो पांच नंबर टिप्पणी होता अवगल तो संभवती कि होना संभव नहीं है, न का अंदर यहाँ पे कर देना, नहीं विभोर आत्मन नमोवत चरणम वास्तवम संभवती, वास्तविक होना संभव नहीं है। न तद अभाव निर अवयव से परिणाम संभावना इति अर्थ, जब वहाँ पे किसी भी प्रकार तद अभाव मतलब विकार चलन मतलब विकार, जब वो अभिकारी एक तत्व में विकार से कोई वस्तु परिणत हो जाएगा, अभिकारी एक तत्व में कोई वस्तु परिणत हो जाएगा, ये होना कभी संभव नहीं है, मतलब परिणामवादी नहीं है, विभक्तवाद है, प्रतीति होती है। मतलब से देखिए यहाँ पे तद अभाव मतलब विकार अभाव चलन अभाव, पहले से आ रहा है चलन, चलन मतलब समस्त विकार के उपलक्ष्य नहीं, तद अभय विकार अभाव निन अवयव से निन अवयव आत्मा का परिणाम संभावना न अस्ति, परिणाम होने का संभावना, इसलिए हम परिणामवादी नहीं है, ये संभावना की शंका परिणामवादी करते हैं, हम परिणामवादी नहीं है, हम विवर्तवादी हैं। अतात्विक अन्यथा भाव, तात्विक अन्यथा भाव कभी हुआ ही नहीं, अतात्विक अन्यथा भाव अन्यथा रूप में दिखाई दे रहा है परंतु तात्विक परिणाम कभी हुआ ही नहीं, न तद अभाव निन अवयव से परिणाम संभावना इति अर्थ। प्राणादीनाम आत्म परिणामत्व असंभवे फलितम आह, इसलिए जो प्राण आदि से लेकर के जो भी कुछ एक एक करके पहले प्राण आते हैं, फिर इंद्रिया आते हैं, फिर मन, फिर थ्रू शरीर मंदिर जो होते हैं ना, ये जो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं होना संभव नहीं है, प्राणादीनाम आत्म परिणामत्व, प्राणादि आत्मा का कोई परिणाम नहीं है, प्राणादि आत्मा का परिणाम नहीं है, है ना, इस प्रकार से परिणाम असंभव फलितम रिजल्ट क्या निकला, नहीं निकला, प्रचलित से एवं उपलब्ध्यमान भावा न परमार्थ संत काल कहीं पे कोई प्रचलन देखते हैं तो उसी से आपको भाव वस्तु दिखाई पड़ते हैं, ये अलग जैसा दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तविक वहाँ पे कोई वस्तु उत्पन्न भी होते ना उसके नाश भी होते, प्रकृति मात्र होती, इसलिए होते हैं प्रचलित से एवं उपलब्ध्यमान भावा न परम पारमार्थिक वस्तु नहीं होता, कल्प पारमार्थिक है ऐसा तो कल्पना भी नहीं कर सकते, वहाँ पे देखिए आगे बोलते प्रचलित आगे देखिए प्रचल प्रगतम चलितम जस्य तथा कूटस्थस्य आत्मन भाषमाना भावान परमार्थ संत भवितुम उत्सहते, प्रगतम चलित ये प्रचलित न प्रगतम चलितम जस्य तथा, है ना, प्रचलित से उपलब्ध जब अब वाइब्रेशन होता था भी कुछ देखते हैं, जब स्थिर वस्तु जो जैसे वैसे ही रहता है, प्रगतम चरितम यस्य प्रतिष्ठ रूपेण गतम प्राप्त के गत प्राप्त चरितम यस्य तथा वो वस्तु कूटस्थस्य आत्मन भाषमान भाव, मतलब जिसके अंदर बिल्कुल कुछ चलन होना संभव, प्रगतम प्रतिष्ठ रूपेण गतम चरितम यस्य मतलब चलनम जिसका वो चलन स तथा वो इस प्रकार का वस्तु मतलब कूटस्थ आत्मा कूटस्थस्य आत्मन भाषमान भाव, उसी के ऊपर आपको प्रतीति हो रहा है भाव वस्तु, उसी के ऊपर प्रतीति हो रहा है, इसीलिए आपको यदि रज्जु पर सर्प आपको दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए आपको किसी कारण से सर्प चलता हुआ भी दिखाई दे, तो हमें क्या समझना पड़ेगा, इसे हवा की निमित्त से सर्प रज्जु जो है थोड़ा हिल गया तो हमको लगे तो सर्प चला, ऐसा ऐसा लगे, तो आत्मा में तो ऐसा होना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्ण व्यापक है, वहाँ पर थोड़ा भी हिलना डुलना संभव नहीं है। कोई व्यक्ति समुद्र के पानी के दृष्टांत देकर के समझाते हैं, जैसे पानी में लहर नीचे फेर बुलबुल तरंग है ना, ये सब पानी रूप होते हुए भी वहाँ ऊपर दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे ही आत्मा में सारा चीज उत्पन्न होगा ऐसे ही मान लो, तो वहाँ की जो निमित्त है वायु के निमित्त से समुद्र के ऊपर स्थान है, इसीलिए इस प्रकार फेर बीची बुलबुल तरंग आदि देखना संभव है, परंतु यहाँ पर तो आत्मा भिन्न कुछ और है ही नहीं और उसको हिलने डुलने के लिए कुछ जगह नहीं है, परंतु इस प्रकार उत्पत्ति भी संभव है, जितनी प्रकार से उत्पत्ति की संभावना अथवा एक ही जल फेन बीची तरंग उद्भूत रूप में जो दिखाई पड़ते हैं ना, जल के परिणाम है सर, तो क्या इस प्रकार उत्पत्ति हम मान लें परिणाम, कि हमको आत्मा में ऐसा होना भी संभव नहीं है, आत्मा में ऐसा होना भी संभव नहीं है, लेकिन समुद्र में फेन बीची तरंग उद्भूत आदि दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी घूम रहे हैं अनंत गति में, और इस गति के कारण जो है वहाँ पे जल में विक्षेप उत्पन्न होता है, उससे आपको लहर दिखाई पड़ती है, आत्मा में कहाँ से गति वहाँ है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार उत्पत्ति भी सुनने से हाँ दृष्टांत देकर के समझा सकते हैं कि यहाँ पे वो जैसे जल का ही परिणाम है, यहाँ पे जल का परिणाम आत्मा का परिणाम नहीं है, आत्मा का विवर्त मात्र है, सावय वस्तु है निरवय वस्तु है, इसलिए यहाँ पे होना संभव ही नहीं है,
प्रगतम चरितम दस्य तथा कूटस्थस्य आत्मनो भाषमाना भाव प्रतीति हो रहा है भाव वस्तु न परमार्थ तो संत वो परमार्थिक का एक ऐसा न भविष्य मुच्छत ऐसा होने में कभी उत्साहित नहीं होता। क्यों? पहले हमने सिद्ध करके आया विमतम मिथ्या दृश्यत्वा जड़त्वा स्वप्नवत हमने बोला पहले से सिद्धत्व दृश्यत्व जड़त्व अधीना स्वप्नवत मिथ्या तो सिद्ध रीति अर्थ ही पहले सिद्ध हो गया। इसीलिए यहाँ पे दोबारा ऐसा नहीं करना कि पारमार्थिक सत्य वस्तु है एवं प्राणादि भावानां मिथ्यात्वं प्रसाद्य। इस प्रकार प्राणादि जो भी कोई भाव वस्तु दिखा देखिए उसी को ही पकड़े न भी बाहर इसको नहीं पकड़े जहाँ तक हमारा सबसे अधिक प्रतिबंधक बैठा हुआ है अपनी परिच्छिन्नता में जो प्राणादि सत्य मानते हैं। इसीलिए एवं प्राणादि भावाना मतलब हिरण्य गर्भ सत्य होगा है ना। इस प्रकार से मिथ्यात्व प्रसाद्य उसमें मिथ्यात्व को प्रतिष्ठित रूप से सजा करके देखा करके फलितम दर्शन रिजल्ट को दिखलाते हुए पूर्वार्थ अक्षराना व्याख्यान प्रसंग रखी पहले अर्थ में आया हो रहा है जो शब्द मतलब भावे रचित भी रेव अयम अद्वैन जो कल्पित है इसी वजह पूर्वार्थ अक्षराना पहले आधा भाग में आए हुए जो श्लोक की अक्षर है उसके व्याख्यान को अभी उपसंहार करते हैं भगवान ठीक है। भगवान क्या बोला एवं इस प्रकार से प्राणादि भावानां प्राणादि भाव वस्तुओं का मिथ्यात्म प्रसाद पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। इसको अच्छी तरह से सजा करके दिखाने के बाद प्रसाद दिखा करके फलितम दर्शयत उसके रिजल्ट को दिखलाते हुए पूर्वार्थ अक्षराना पहले आधा भाग श्लोक के पहले आधा भाग आए हुए अक्षरों का व्याख्यान का भी हम उपसंहार करते हैं। क्या होता है अत असत धीरेव प्राणादि भावे अद्वैन च और वो भेद रहित तत्व है जो पारमार्थिक सत्व वस्तु है उस अद्वैन के सता आत्मना रज्ज सर्पवत विकल्प अस्पद भूत जैसा रज्जु में के ऊपर जो सर्प कल्पना का अधिष्ठान भूत है इसी प्रकार प्रणादि कल्पना का अधिष्ठान भूत रूप में अयोग स्वयमेव आत्मा कल्पना ये आत्मा ही अपने आप अपने में सब कुछ कल्पित कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पे टीका में देखिए फिर अद्वयस्य परमार्थत्व है ना ये भेद रहित वे पारमार्थिक होने के कारण तदात्म न कथम आत्मा कल्पित यदि भेद रहित ही जो पारमार्थिक है तो तद रूप में मतलब भेद रूप में कल्पना कैसे हो जाता है ठीक है ना। अद्वयस्य पारमार्थिक अथवा तदात्म न कथम आत्मा कल्पित अद्वय जब पारमार्थिक अद्वय रूप कल्पना कैसे हो सकते हैं कि आशंक स्वरूप न अकल्पित स्वरूप से तो अकल्पित है संक्षिष्ट रूप में न कल्पित स्वरूप से आत्मा में कोई कल्पना होना संभव नहीं है। परंतु जब ये एक उपाधि उसको ब्रह्म में आरोप करते हैं वो कहाँ बैठा है मन में बैठा है सर्प कहाँ बैठा है क्या रज्जु में कोई कल्पना हुआ वास्तविक हमारे मनोवस्तु को हम रज्जु के ऊपर आरोप कर दिया मात्र एक तो कल्पना होती है। चोर क्या वहाँ पे खड़ा है क्या नहीं है चोर भाव हमारे मन में बैठा है हम स्थान में आरोप कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं अद्वैत परमार्थत्व तदात्म कथम आत्मा कल्पित शायद उस अध्यय रूप में आत्मकल्पित कैसे होते हैं आशंक स्वरूपेण अकल्पित अपने स्वरूप से वो अकल्पित है संक्षिष्ट रूपेण परंतु क्या है ऊपर ऊपर भी क्या संक्षिष्ट रूपेण कल्पित जहाँ से शुरू किया ना स्वरूपेण अनारोपित व्यवहारिक बोलते हैं कि संक्षिष्ट रूपेण कल्पित इष्ट किसी के साथ मिल करके किसी के साथ मिल करके आत्मा कल्पना का अधिष्ठान बन जाता है ऐसा आत्मा का ही आप रज्जु का सर्प प्राणादि का कल्पना किसके ऊपर की आत्मा के ऊपर ही किया। इसीलिए आप बोलते हैं कि संक्षिष्ट रूप में मतलब आरोपित प्राणादि तादात्म्य में नहीं थे छह नंबर टिप्पणी है ना क्या बोलते हैं आरोपित प्राणादि तादात्म्य में नहीं थे आरोपित प्राणादि के साथ तादात्म्य करके हमको लगता है आत्मा इस भाव में परिणत हो कैसे हुआ आरोपित जो तादात्म्य मतलब आरोपित सर्प के साथ तादात्म्य करके हम क्या बोलते हैं रज्जु सर्प रूप में परिणत हो गया प्रतीति होती है परंतु परिणाम होना संभव ही नहीं है क्योंकि रज्जु अलग है सर्प अलग है और इस दोनों में संबंध भी कभी नहीं हो आत्मा होना संभव है अब तो फिर हमें प्रतीति होती है। इसलिए परमार्थ सता यहाँ पे जो कल्पित परमार्थ सता आत्मा आत्मना रज्जु सर्प रज्जुवत सर्व विकल्प जैसे रज्जु समस्त विकल्प का आस्पद हो जाता है जलधारा भूषित्र माला दंड सर्प का कल्पना के आस्पद कौन आधार कौन है रज्जु किसी प्रकार से ये प्राणादि समस्त कल्पना का आधार कौन होगा ये आत्मा परमार्थिक सत्य जो आत्मा आत्मभूते स्वयं वो आत्मा कल्पना उसी आत्मा ही कल्पना का आश्रय है। आगे ठीक टीका में देखिए अविद्या वशात
इष्टा कल्पना न स्वभाव वशात इति आह, है ना। अज्ञान के कारण ये कल्पना हम मानते हैं, परंतु स्वरूप से आत्मा में कोई कल्पना न होना संभव नहीं, परिणाम होना संभव नहीं। अविद्या वशात इष्टा कल्पना, अविद्या के कारण से ये कल्पना हमारे अभिष्ट, क्योंकि हमें अधिष्ठान की ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान के कारण ही जो है, इसलिए अज्ञान ही सबसे बड़ा माया है। हम बोलते हैं माया के सृष्टि होता, हमारे पास अलग कोई माया वस्तु नहीं है। ब्रह्म के अज्ञान ही सृष्टि के हेतु है और ब्रह्म के ज्ञान ही सृष्टि के नाश के लिए। इसलिए बोलते हैं अविद्या वशात इष्टा कल्पना न स्वभाव वशात, तो स्वरूप से हो जाए वो कल्पना, समझे, स्वरूप से कल्पना का कल्पना का परिणाम होना संभव ये नहीं कह सकते। इसलिए आगे बोलते हैं जगतु असुखित्वादि शास्त्र न, कल्पना न स्वभाव वशात इति आह, तो बोलते हैं यहाँ पे सब एक स्वभाव अपि सन, है ना। वो क्या है भाष्य में फर्स्ट लाइन राइट हैंड साइड में, सब प्रतिमा पे सब एक स्वभाव अपि सन, वो सब एक स्वभाव होते हुए भी तेज प्राणादि भापा अपि अद्वैन वशतात्मना विकल्प। वो जो प्राणादि भाव हमारे मन में बैठा हुआ है, चीज एक है मन, मन में है कल्पना और अधिष्ठान हूँ मैं उस कल्पना का प्रकाशक होते हुए वो कल्पना का अधिष्ठान बन जाता हूँ। लगता है कि मैं ही कल्पित हो रहा हूँ, परंतु अधिष्ठान के साथ मतलब कल्पना करने वाले के साथ कल्पित वस्तु का कोई संबंध नहीं होता, परंतु लगता है कि मैं ही इस रूप में कल्पित हो रहा हूँ। इसलिए बोलते हैं सत एक स्वभाव अभिषण, वो सत तत्व तो एक स्वरूप होते हुए भी तेज प्राणादि भाग, वो जो प्राणादि भाग का हम देख रहे हैं, हम मन में कल्पना करते जो भी कुछ हम सोच रहे हैं, अद्वैन व सदात्मना वो जो अधिष्ठान जो मैं सदात्मा हूँ उसके साथ मिलकर ही कल्पित कल्पना, उसके साथ मिलकर कल्पना होता है आत्मा की कल्पित कल्प होता है। ठीक है, प्राणादि नाम असत्य सत्य न कथम व्यवहार को चलता, प्राणादि यदि पारमार्थिक नहीं है फिर भी वो सत रूप में व्यवहार कैसे हो जाए। प्राणादि नाम असत्य सती सत्य न कथम व्यवहार को चलता, वो सब सत रूप में सत्य रूप में व्यवहार की विषय कैसे बन जाता है। यदि आशंक ऐसे शंक करने पर तृतीय पादार्थम आह, तृतीय पाद में क्या हुआ था, भावा अपि अद्वैन एव, वो जो भाव वस्तु का अधिष्ठान एक सत्य वस्तु है, आरोपित वस्तु का अधिष्ठान एक पारमार्थिक सत्य वस्तु है, इसलिए आरोपित वस्तु भी पारमार्थिक सत्य जैसा लगता है हमेशा, क्योंकि जो कल्पना की मतलब कारण का गुण कार्य में आएगा ही आएगा, कारण का गुण कार्य में आएगा, चाहे वो कार्य आपका परिणाम से हो चाहे आपका विवर्त से हो। अब कारण में जब पारमार्थिक सत्यत्व तो बैठा हो ना, कारण विवर्त के अधि मतलब कल्पना की अधिष्ठान आत्मा में पारमार्थिक सत्यत्व तो बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर जिस वस्तु का हम कल्पना करेंगे वो किस रूप में भसेगा हमारे सामने, पारमार्थिक सत्य रूप में भसेगा हमारे सामने। फिर जब विचार पूर्वक जब निर्णय करेंगे तब उसमें अधिष्ठान का ही पारमार्थिक सत्यता दिखाई देगा। इसलिए बोलते आते प्राणादीनाम असत्य सत्य न कथम व्यवहार गोचर आशंक तृतीय तृतीय पादार्थम आह तेज प्राणादि भावा भी अद्वैन एव सत आत्मना विकल्पित, अद्वैत सत आत्मा के साथ उसी को वही उसे कल्पना किया गया है। तब बोलते हैं कल्पितानां प्राणादि भावानां अधिष्ठान सत्य सत्येन न सत्ता अवकल्पते, कल्पितानां प्राणादि भावानां कल्पित जो प्राणादि भाव है अधिष्ठान सत्य अधिष्ठान की सत्ता से सत्तान्वित होने के कारण उसका स्वतंत्र सत्य है, ऐसा कल्पना नहीं कर सकते, न सत्ता अवकल्पते, अधिष्ठान की सत्ता के द्वारा ही उस सत्ता को प्राप्त करते हैं, इसलिए उसका कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यदि आप अभी चाहेंगे कि मैं रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को मैं रज्जु से अलग करके देखूं, देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, सुक्ति का ऊपर के दिखाई दे हटस्थ सुख रजत आपको दिखाई दो बात अलग है, परंतु सुक्ति का के ऊपर जो रजत आपको दिखाई दिया आपका मन में हटस्थ मतलब दुकान में दिखाई दे रजत बैठो आपने अलग कर आपने आरोप कर दिया। अगर आप चाहते हैं अभी कि आप उस सुक्ति का के ऊपर दिखाई दे रहा है रजत को आप सुक्ति का से अलग करके देखें, कभी देख पाएंगे कि नहीं, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प को हम उस रज्जु से अलग करके भी देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, उसी के सत्ता से सत्ता नहीं जिसका अलग कोई सत्ता है नहीं। कल्पितान प्राणादि भावान अधिष्ठान सत्य सत्य न सत्ता, तो उसका अलग कोई सत्ता की कल्पना नहीं किया जा सकता।
तेषां अधिष्ठान अपेक्षा नियम अभाव आदि की आशंका। आपको कौन बोला कि वहां पे अधिष्ठान चाहिए कोई? जब हम कमरे में बैठ करके अपनी मन ही मन कल्पना करते हैं कि सामने कोई थोड़ी वस्तु हमको दिखाई देता है, इसीलिए सामने कोई अधिष्ठान चाहिए ये जरूरी नहीं है। यदि ऐसा कोई बात शंका करते हैं, ऐसा कोई बात शंका करते हैं, पहले उत्तर दे रहे, तुम्हारा वो सूक्ष्म दृष्टि खुला ही नहीं है, अभी तुम स्वयं अधिष्ठान रूप में बैठे हुए हो ना, स्वयं अधिष्ठान रूप में तुम बैठे हो कल्पना काल में, फल तो तुमको बाहरी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं हो रही। जब बाहर कल्पना करोगे तो बाहर अधिष्ठान की आवश्यकता है। तेषाम अधिष्ठान अपेक्षा नियम अभाव, तेषाम प्राणादि भावानाम, प्राणादि भाव का अधिष्ठान नियम की अपेक्षा रखता है, इसका अभाव है, अधिष्ठान की अपेक्षा नहीं रखता है, ऐसा कोई शंका करते हैं, उसकी शंका क्या होता है? बंधु ऐसा आप नहीं कह सकते हो, नहीं निराशपदा काचित कल्पना प्रति अधिष्ठान भी कहीं भी किसी प्रकार का कल्पना होना संभव ही नहीं होता, संभव ही नहीं होता। खूब सावधानी से इसको समझना है। हम जब कल्पना करते हैं, स्वप्न देखते हैं, चाहे जागृत में स्वप्न देखें चाहे सो करके स्वप्न देखें, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, न तत्व रथ आना रथ योग आना पंत आना, कुछ भी नहीं होता, उसको बनाने का कोई ओजन कुछ नहीं होता, परंतु मैं होता सब बना लेता है। इसीलिए वो अधिष्ठान पर कोई दिखाई नहीं देता, वो अधिष्ठान अगर समझ में आ जाए आपको तब मतलब कल्पित मुझसे अब शांति कर, जितना भी कल्पना कर ले अधिष्ठान तो मैं ही हो सकते हो, बाकी सारे कल्पित है, नहीं निराशपदा का अधिक कल्पना उपलब्धि सर्व विकल्पना साधिष्ठान एवं दृश्य के समस्त विकल्पना अधिष्ठान के ऊपर ही दिखा जाता है। सर्व विकल्पना साधिष्ठान एवं दृश्य के समस्त कल्पना अधिष्ठान के ऊपर ही दिखाई देता है। न जो असत अधिष्ठान आरोपित अनुभित अभाव अनुभेदा तो सत अधिष्ठान तम निष्कर्म्य। आप बोलेंगे असत वस्तु अधिष्ठान बन गए, जिस प्रकार हम जब अनंत अध्यास बोलते हैं तब रज्जु के ऊपर जब सर्प के हम अध्यास करते हैं, वहाँ पे दो अध्यास होते हैं, एक स्वरूप अध्यास एक संसर्ग अध्यास। परंतु जब अनंत अध्यास में जब रज्जु को हम सर्प के ऊपर आरोप करते हैं तो स्वरूप अध्यास नहीं होता, क्या होता है? संसर्ग अध्यास होता है। यदि रज्जु के ऊपर सर्प का सर्प के ऊपर रज्जु की अध्यास हुआ होता तो रज्जु भी एक मिथ्या वस्तु बन जाता, रज्जु भी आरोपित हो जाता, परंतु हमें केवल मात्र संसर्ग अध्यास होता है। अनन्य अध्यास में हमेशा ध्यान रखना है कि जिस आरोपित वस्तु में का स्वरूप अध्यास भी होता है, संसर्ग अध्यास भी होता है। अधिष्ठान में आरोपित वस्तु का स्वरूप अध्यास भी होता है, मतलब धर्मी अध्यास भी होता है, धर्म अध्यास भी होता है। परंतु कि अधिष्ठान का जब हम आरोपित वस्तु में आरोप करते हैं तब वहाँ पे केवल मतलब संसर्ग अध्यास होता है, स्वरूप अध्यास नहीं होता, क्योंकि रज्जु में विद्यमान है। इसलिए हमें बोलते हैं न जो असत अधि इसी जगह पे ना ये अध्यास संसर्ग अध्यास स्वरूप अध्यास यहाँ शब्द प्रयोग नहीं है, मतलब उसी में घोमा घोमा के स्पष्ट कर रहे हैं। न जो असत अधिष्ठान असत वस्तु अधिष्ठान बन जाएगा। एक नंबर टिप्पण में देखो सुन्नादि मतलब प्राण अधिष्ठान बन जाए आत्मा की आत्मकल्पना का प्राण अधिष्ठान हो, तो क्या हम तो बोलते हैं कि मेरा प्राण काम कर रहे हैं तो प्राण के ऊपर मैं आरोप करके बोलता हूँ मेरा शरीर में क्या होता है, इसीलिए उसको अधिष्ठान बना दो। तो असत अधिष्ठान आरोपित आरोपित अनुभेद अभाव ये चीज है। मान जो शून्य असत यदि अधिष्ठान होगा तब आपको क्या बोलना पड़ेगा? घट नहीं है, पट नहीं है, मठ नहीं है, ये बोलना पड़ेगा। पर तो ऐसा कोई नहीं बोलता घट है पट है रूप में, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि न जो असत अधिष्ठान आरोपित अनुभेद अभाव, जो आरोपित वस्तु है ना उसका अनुभेद का अभाव हो जाएगा, असत तो शून्य है उसका अभाव दिखेगा, मतलब नहीं है नहीं है करके प्रतीति नहीं होता है करके प्रतीति होती अभाव तद अनुभेदत्व सत अधिष्ठान। इसलिए और कौन सत का अनुभेद है करके अनुभेद रहता है सब जगह, नहीं है करके नहीं, इसीलिए बोलते हैं अनुभेदा तो सत अधिष्ठान जो सत ही अधिष्ठान है ऐसा अभिष्ट होना चाहिए। दो नंबर मतलब तू एव अर्थ वहाँ पर तू पद है निश्चित ही हमें, क्योंकि सारा वस्तु है करके हमारे प्राप्त होता है, इसीलिए क्या होता है कि है अधिष्ठान है नहीं है अधिष्ठान नहीं है। क्या बोला? है आत्मक कोई वस्तु अधिष्ठान है कल्पना की, परंतु नहीं है शून्य आदि कोई अधिष्ठान नहीं हो सकता। क्यों? कि उससे अनुभेदित होकर के जो अधिष्ठान है उससे अनुभेदित होकर के वस्तु दिखाई पड़ते हैं,
यदि शून्य शून्य अधिष्ठान होकर के हमको वस्तु दिखाई पड़ता तो घट शून्य पट शून्य मठ शून्य ऐसा बोलना पड़ता, तो ऐसा नहीं बोलते घट है पट है मठ ऐसा बोलते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि न च असत अधिष्ठानत्वम आरभित अनुभित अभावात् कोमा करना तद अनुवेदात्मकत्व तद अनुवेदित सत अधिष्ठानत्वम एव अष्टकम् सत के द्वारा अनुवेदित होने के कारण सत अधिष्ठान है ऐसा अभिष्ट हमारा। तथा च प्राणादि भावानां वस्तु तो असत्य अपि सति कल्पितानां सत्येन व्यवहार सिद्धि इति अर्थ। इसके फलस्वरूप तथा चति जो तथा च सत एव अधिष्ठान के मतलब सद वस्तु विद्यमान पारमार्थिक विद्यमान वस्तु अधिष्ठान होने के कारण प्राणादि भावानां जित्त प्राणादि भाव पद देखा जाता है वस्तु तो असत्य अपि पारमार्थिक किसी के नहीं होते हुए भी सती कल्पिता नाम सत्य में कल्पित होने के कारण सती से हम सत्य में नहीं है सत्य में एक वचन सत्य में कल्पित होने का सती कल्पिता नाम सत्य सत के ऊपर कल्पित होने के कारण उसको सत्य रूप में व्यवहार होता है। सती सत्य में एक वचन है सत शब्द का मतलब सत्य में कल्पित होने के कारण उसमें सत रूप से व्यवहार होता है। सती कल्पिता नाम है ना सत्य न व्यवहार सिद्धि उसको सत्य रूप में उसका व्यवहार सिद्ध हो जाता है। तथा च प्राणादि भावानां वस्तु तो असत्य अपि प्राणादि भाव वस्तु का पारमार्थिक दृष्टि से इसमें नहीं होते हुए भी सति कल्पितानां मतलब वो सत्य में कल्पित होने के कारण यदि देखिए यहाँ पे कल्पितत्वे सति यदि होता तो क्या होता और कल्पितत्व असत दोनों में हो जाता उसका विस्पत यहाँ पे सत्य में कल्पित होने के कारण सत्य में कल्पितानां सत्य इसीलिए उसके सत्य रूप में व्यवहार होना सिद्ध हो जाता है। सत्य न व्यवहार सिद्धम इति अर्थ। अब यहाँ बोलने के बाद केवल चौथा पद हमारे पास बचे चतुर्थ पदार्थम आह चौथा पद क्या है तस्मात् अद्वैता उसका अर्थ करते हैं अतः एव अतः सर्व कल्पना आस्पदत्व स्वेन आत्मना अद्वैत व्यभिचारा समस्त कल्पना का आश्रय होने के कारण और स्वरूप से अपने आप अव्यभिचारी होने के कारण समस्त व्यभिचारी कल्पनाओं का आश्रय होता हुआ भी अपने आप अव्यभिचारी है इसलिए अद्वैता शिवा इसका कल्पना अवस्थाया भी अद्वैता शिवा कल्पित अवस्था में भी अद्वैत शिवा है। टीका में लिखी दो लाइन है स्वेन इति विशेषणम संक्षिष्ट रूपेण व्यभिचार अभिकारकम देखो वहाँ पे बोला ना अत सर्व कल्पना आस्पदत्वात् स्वेन आत्मना है वहाँ पे स्वेन पद क्यों आत्मना बोलने से काम हो जाता स्वेन पद क्यों दिया वहाँ पे विशेषण स्वेन आत्मना ना तृतीय तृतीय तो है विशेष विशेषण रूप में काम करेगा वहाँ पे स्वेन आत्मना बोलने का भी स्वेन इति विशेषणम संक्षिष्ट रूप में व्यभिचार अभिकारत्व किसी के साथ मिलकर के वो व्यभिचारी दिखाई देने पर भी अपने आप में व्यभिचारी नहीं है स्वेन आत्मना क्यों ठीक है ना किसी संक्षिष्ट रूप में किसी के साथ मिलकर के वो परिवर्तनीय है ऐसा प्रतीति होने पर भी अपने स्वरूप से अपने स्वेन आत्मना मतलब अपने स्वरूप से वो व्यभिचारी कभी भी नहीं इसीलिए स्वेन विशेषण दिया हुआ व्यभिचार अंगीकारार्थम उसको अंगीकार करते मानते हैं कल्पना रहित दशायाम एव अद्वैता शिवा कल्पना रहित अवस्था में जो भेद रहित वही कल्याण कर गए इति आशंक कल्पना रहित दशायाम एव अद्वैता ठीक है कल्पना रहित जिस समय कल्पना नहीं करेंगे मतलब आप ध्यान भजन करते रहेंगे उस समय आप आनंद में रहेंगे कल्याण की स्थिति होगी आपकी वेदांति ये नहीं मानते हैं वेदांति बोलते हैं व्यवहार कल्प भी तुम्हारा अद्वैता शिवो अद्वैता बना रहेगा क्या समझो देखिए कितना कल्पना रहित दशायाम एव जिस समय कल्पना नहीं कर रहे ध्यान साधन भजन कर रहे उस समय आप कल्याणकारी अवस्था में है व्यवहार काल में आप नहीं है तो हम ऐसा नहीं मानते हैं क्योंकि हमारा सिद्धांत भी ऐसा है कि व्यवहार काल में विचार दृष्टिकोण रहने के कारण मिथ्या तो मिथ्या ही है हमने आत्मन कर या जगत नहीं दिखाई देने बात नहीं है हमने विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि जगत नहीं है दिखाई देने पर भी नहीं है इसलिए हमें बोलते हैं कल्पना रहित अवस्था दशाया में अद्वैत शिवैति आशंक कल्पना मात्र स्वशिवत्मा है ना कल्पना मात्र अशुभता है तो भैया हम किसी भी समय बैठो आप देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर शब्द कहा कल्पना मात्र ये जो हम ध्यान भजन करके मन को एकाग्र कर ले ये भी एक कल्पना है वो भी अशिवा है बाकी झंझट है ना नीले होते ना साध है तो ये अद्वैत सिद्धांत को ठीक से पकड़ने के लिए बहुत मतलब क्लैरिटी चाहिए यहाँ पे क्या बोला कल्पना मात्र अशिवत्व कल्पना मात्र जहाँ कहीं भी कल्पना करो क्या कल्पना कर रहे थे हम
जब मैं ये मन को बंद करके ध्यान भजन कर रहा हूँ, समय अच्छा लगा जब भर करते दुखी होता है, वो भी तुम्हारा दुख के ही कारण है। क्योंकि तुम क्या सोचा कि मन को बंद करता है ही नहीं मन नामक कोई वस्तु, क्योंकि वहां तो मैंने क्या बोल कर गया ये श्लोक क्यों दिया, वो जो पहले कहकर गया ना निरूप ना बद्ध ना साधक, उसके लिए हेतु दिया गया, ये हेतु है। क्योंकि वो भी एक कल्पना ही है, क्योंकि सभी शब्द आप जब बोलते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, ठीक है ना, बोलने में अच्छा लगता है, होता क्या है वहां पर आत्मा बुद्धि के साथ आत्मा बुद्धि थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया, बोलते मैं ध्यान करता हूँ। अरे बुद्धि को छोड़ दो, आत्मा हमेशा ही ध्यान करता है, आत्मा का कोई प्रचलन नहीं है। और बुद्धि बीच बीच बिखेरता रहता है तो लेला यथायति, इसलिए छुट्टी अपने बोलते हैं यथायति इव लेला यति इव, दोनों जगह इव लगा कर छुट्टी बोलती है ही रहे यहाँ किसी के बोलते हैं कल्पना मात्र स्वास्थ्य बोलता है मई प्रकृति आह। इसलिए इसीलिए ना मानव को कार्य का ये लास्ट स्टेज है अंडरस्टैंडिंग का, बिगिनिंग में थोड़ा सा आपके अंदर कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं, संजोड़ ना दे, इसलिए बोलते हैं मानव को बिल्कुल थोड़ा मन तय होने के बाद एक अमेव अलम मोक्षा नाम सिद्धांत को ठीक से पकड़ लेंगे तो कोई नहीं शंका नहीं रह जाएगा। सिद्धांत एक इसके कल्पना मात्र स्वास्थ्य बोलता है मई प्रकृति कल्पना दुख होता है, इस प्रकार से वहाँ पे ध्वन ध्वन हो जाएगा उस आदिपद के द्वारा। जब उत्तम अद्वैत शिवादि जो कहा गया था तस्मात अद्वैत शिव, इसलिए उसको प्रतिवाद अद्वैत अभय, इसलिए भेद रहित तो अभय कोई जन को प्राप्त हो, भय रहित तो स्थिति को प्राप्त करने ही कल्याणकारी होता अद्वैता, अतः सही वशी का इसलिए वही एकमात्र कल्याणकारी का। ठीक है, इसको ठीक प्रकार संक्षिप्त में विचार करेंगे। ओम, आज तीसरा वाला होगा, अंतिम का तीसरा वाला। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।